बिल्कुल। उसमें कितने तिल्लियाँ होती हैं? सेवन। कितने? सेवन। बोल बड़ा, कहाँ से हैं आप? ये असम। असम से। सर, झंडे को लेकर एक अवेयरनेस चल रहा है, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? वो तो मतलब नहीं दे, मैं तो नया अभी आ रहा है। कोई इंडिया में तो बहुत पहले से है ना, अभी नया। देश के बारे में पूछे, देश के झंडे के बारे में। अच्छा है, क्या कितने रंग है हमारे देश के झंडे पर? क्या बोला गया? अच्छा, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था वो भी नहीं पता? हमारा देश का झंडा सबसे पहले किसने फहराया था? सर देखिए, देश के बारे में बात है, इतनी जानकारी, छोटी सी जानकारी जो आपको नहीं पता है, तो आप देख सक रहे हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर मौजूद। हमारा देश जो है वो कब आज़ाद हुआ था? 1976। 1976 कब? 75। कब मैडम? 1975। 1975 मतलब 1975 में हमारा देश आज़ाद हुआ। कब? एक चक्र है, उसे क्या कहते हैं? हमारा जो देश आजाद हुआ कब हुआ, और आजाद होने के बाद पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? आई डोंट नो, आपको याद नहीं है? चलिए याद नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल, मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं, और आज हमारा 5वां एपिसोड है और आज अंतिम एपिसोड है, और आज के दिन भी आज हम बागडोगरा के हाट में पहुंचे हैं। बागडोगरा रविवार का हाट एक बड़ा हाट होता है, और यहां पर आज हम देखना चाहते हैं कि बागडोगरा और आसपास के जो लोग हैं वो झंडे के प्रति कितना जागरूक हैं, और झंडे के प्रति अपने देश के प्रति कितना जानकारी वो रखते हैं। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं हंसा मैडम और बबीता मैडम, जो कि सिलीगुड़ी से आई हैं भारत विकास परिषद की तरफ से, और हम बागडोगरा हाट में लोगों को रोक रोक कर पूछेंगे और जानेंगे कि अपने झंडे के बारे में कितना जागरूक है। फिलहाल यहाँ पर अभी इस वक्त कई सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बाजार हटकोला में जो है वो घूम रहे हैं, और यहाँ पर एक मैडम घड़ी खरीद रही है, समय देखने के लिए घड़ी खरीद रही है। अच्छा समय होगा। मैडम क्या नाम है आपका? किरण कुमारी जी। किरण कुमारी। किरण कुमारी कहाँ से हैं आप? बिहार, बागडोगरा से। बागडोगरा से हैं। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, एक सवाल जानना चाहेंगे, हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं? तीन रंग। कौन कौन सा? ग्रीन और ऑरेंज और वाइट। पहला कौन सा कलर है? ऑरेंज है। उसके बाद? वाइट। उसके बाद? ग्रीन। अच्छा, और एक सवाल, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? नहीं पता है। तो मैडम, मैम क्या कहना चाहेंगे? बबीता मैम, मैडम ने झंडे में तीन रंग है वो तो बताया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। और क्या? वाइट, ब्लू। वो ब्लू, हाँ। तो क्या कहते हैं वो बीच में? चक्र। कौन सा चक्र? कौन सा चक्र? गोल चक्र, उसमें तिल्लियाँ, 24 तिल्लियाँ। वेरी गुड, चलिए इतना पता है। तो मैम सबसे पहले थोड़ा सा उनको एक जानकारी दीजिए। हम लोग भारत विकास परिषद से है, और हम लोग, हमारी संस्था ये बुकलेट सभी को दे रही है, सभी स्कूलों में, और आप जैसे लोगों को भी, सब जन जन को पहुंचा रहे हैं हम लोग। और ये हमारी संस्था के ही मेंबर है ललित सीतानी जी, उन्होंने लिखी है ये बुक। आप पढ़ेंगे तो आपको झंडे के बारे में सभी जानकारियाँ मिलेगी, और ये बुक हम आपको देना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे ये बुक लीजिए, और इससे जो जानकारी है वो इकट्ठा करिए हमारे देश के झंडे के बारे में। वो भी बताइएगा इसके बारे में। और 15 तारीख तक तो हम लोग झंडा का मान करते हैं, 16 तारीख को उसका अपमान नहीं होना पाए, तो इस पर भी हम आपको एक झंडी और आपको कल कहीं भी आप झंडा गिरा हुआ दिखे तो उसको जरूर उठाइएगा, और सबको ये बुक व्हाट्सअप कीजिएगा। तो हम आगे बाज़ार के अंदर घुसते हैं। बाज़ार के अंदर घुसते हुए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमें दिख रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को जो है हम रोकेंगे और जानेंगे कि उन्हें झंडे के बारे में कितना जानकारी है। यहाँ पर एक मैडम आ रही है, हम मैडम से जो है वो पूछेंगे। हेलो, क्या नाम है मैडम आपका? रिंकू दास। कहाँ से हैं आप? बागडोगरा। बागडोगरा से हैं। कुछ सवाल पूछेंगे झंडे के जागरूकता को लेकर, और कितना कुछ जानकारी आप झंडे को लेकर आप रहते हैं। मैं जी जानना चाहूँगा हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तीन। कौन कौन सा? वाइट, ग्रीन, ऑरेंज। पहला कौन सा है? ऑरेंज। उसके बाद? वाइट। और ऑरेंज पहले, उसके बाद आपका वाइट और नीचे ग्रीन। अच्छा, और बीच में एक चक्र है, उसे क्या कहते हैं? तो बीच में जो है क्या कहते हैं?
चक्र बोलते हैं। क्या चक्र? अशोक चक्र बोलते हैं जी। बिल्कुल, उसमें कितने तिल्लियाँ होती हैं? सेवन। सेवन। तो ये कुछ जानकारी है जो है, इसकी कमी है, आपने गलत बोला है, रंग आपने सही कहा। अच्छा, हमारा जो देश का जो झंडा है वो पहली बार आज़ादी के बाद किसने फहराया था और कब फहराया था? नहीं पता जी। नहीं जी। तो हम चाहेंगे, हमारे पास एक बुक है, नो योर नेशनल फ्लैग। हम जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें झंडे के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो जानकारियाँ जो है आप लें। हमारे साथ एक मैडम है जो आपको बताएंगी कि कैसे क्या करना है। बबीता, हम क्या कहना चाहेंगे? ये झंडे में, इस बुक में सभी जानकारियाँ दी गई है। हम लोग भारत विकास परिषद की तरफ से है और हर जगह अवेयरनेस कर रहे हैं झंडे के बारे में। और आपको थोड़ा पता है कलर क्या है, कितना कलर है? यहाँ तो यह हालत है, कितने जन तो कलर भी नहीं बता पा रहे हैं। तो हम लोग, आप जैसे लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग मतलब सभी को बताइए कि हम लोग झंडे की अहमियत क्या है, झंडा में क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात, 15 तारीख के बाद झंडा ना कहीं भी गिरा हुआ मिले आप उसको। चलिए, भारत माता की जय। धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम, यहाँ पर छोटी सी बच्ची है, मंदिर पर आई है। और सबसे पहले हनुमान जी को बहुत बहुत नाम। बाबू, क्या नाम है आपका? की नाम तुम्हारा? सानवी घोषाल। कोथाए था के नबनी? শিলিগুড়ি। শিলিগুড়িতে থাকো। আচ্ছা, একটা জিনিস জানতে চাইবো যে আমাদের যে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আছে তার মধ্যে কত রং আছে, কালার আছে? 4। কোন কোনটা? ব্লু, গ্রিন, হোয়াইট, অরেঞ্জ। ভেরি গুড। সব থেকে আগে কোনটা কালার আছে উপরে? অরেঞ্জ। দেন হোয়াইট, গ্রিন। গ্রিন, ভেরি গুড। তো খুব ভালো লাগলো। ক্যা নাম বতায় আপনি আপনা বাবু? ক্যা নাম বতায়? সানভি ঘোষাল। সানভি ঘোষাল। तो हम चाहेंगे, मैम बहुत अच्छा उत्तर बाबू ने दिया है, हम उनसे हम चाहेंगे कि आप उन्हें झंडा देकर उन्हें सम्मानित करें। यहाँ देखिए बाबू, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़िए। जो सही आंसर दे रहा है, हालांकि बच्ची है, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी रखी है। कई सारे बच्चे हैं जो अभी बता नहीं पाते, जानकारी जो है वो उन्होंने दिया था। आपने इतना अच्छा आंसर दिया है, ये बुक है बेटा, अभी पढ़िए। कौन सा हाथ में फ्लैग लेना चाहिए? इन विच हैंड? राइट। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा लगा, इतनी छोटी बच्ची है पर काफ़ी जानकारी उन्होंने रखा है और हमने उनको एक झंडा दिया है। की बोलते चाहबा हमारे लोग के जरा झंडा विषय किसु जाने ना तादर के देश व्यापारी की बोलते चाहबा? की बोलते चाहबा? यू शुड नो योर नेशनल फ्लैग, बोलो तो बेटा। एवरीबॉडी शुड नो देयर नेशनल फ्लैग एंड द डिटेल्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो फिर भी उन्होंने एक अच्छी कोशिश की है और काफ़ी अच्छी जानकारी जो है वो उन्होंने दिया है। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर जुड़ेंगे। हालांकि आज शनिवार, रविवार का दिन है, बाज़ार पे काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर हम कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर हम रोक रहे हैं। जैसे कुछ महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, मैडम हैं, उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश। मैडम नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, कहाँ से हैं आप? मैं बागडोगरा से। बागडोगरा से। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहेंगे झंडे के ऊपर। हमारा जो झंडा है उसमें कितने रंग हैं? 3 रंग। कौन कौन सा? सैफ्रन, ग्रीन, वाइट। जी। उसपे एक चक्र है, उसे क्या कहते हैं? अशोका चक्र। उसपे कितने तिल्लियाँ होती हैं? लाइन लाइन। जी जी, लाइन। 48 38 बिल्कुल रंग। अच्छा चलिए, हमारा जो देश आज़ाद हुआ कब हुआ और आज़ाद होने के बाद पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? आई डोंट नो, आपको याद नहीं है? चलिए, तो ये कुछ जानकारियाँ जो हैं, यही जानकारियाँ काफ़ी लोगों में कमी। हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर एक लोग जो है वो पूरी जानकारी रखें। ये एक बुक है जिसपे नो योर नेशनल फ्लैग है, जिसमें सारी जानकारियाँ जो है लिखी हुई है। भारत विकास परिषद की तरफ से ये बांटी जा रही है। अवेयरनेस झंडे के लिए करना चाहिए क्योंकि देश का सबसे पहला सिंबल हमारा झंडा है ना, जो पूरे देश में पहचान दिलाता है हमारा। हम चाहेंगे ये बिल्कुल ये बुक्स पकड़ें और ये झंडा, झंडा कौन से हाथों में पकड़ना चाहिए? राइट हैंड। जी बिल्कुल। तो कुछ जानकारियाँ थी, ज़्यादा से क्या कहना चाहेंगे लोगों को देश के प्रति, कैसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक प्रण लेना चाहिए, कसम लेना चाहिए कि हम आगे से ऐसे जिएंगे, देश के लिए करेंगे? सबसे पहले तो
एक दूसरे के लिए सबसे मेन क्या है, केयर, एक दूसरे को केयर करना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए, है ना। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को दिखाना भी चाहिए वो चीज़। मुंह से बोलने से हर चीज़ नहीं होता है, बट वो चीज़ हमें करनी चाहिए, या केयर करके हो या हेल्प करके हो, कोई प्रॉब्लम में हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग एक दूसरे को देशभक्ति प्रेम दिखा सकते हैं। तो खुशी मैडम ने ऐसा बातें कही, बिल्कुल आप इस चीज़ को मनाएं। आगे हम और थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, हम बाज़ार के थोड़े बीचों बीच जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पर दो मैडम हैं, इन दो मैडम को रोकते हैं, सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। क्या नाम है आपका? आशा तिग्गा जी। आशा तिग्गा। आशा तिग्गा, आप? प्रतिमा टोप्पो। प्रतिमा टोप्पो, कहाँ से आप दोनों? मैं गंगा गिरजा लाइन से जी। गंगा गिरजा लाइन से अभी दोस्त क्यों भाग रही है? मुझे नहीं पता। तो बताइए, ऐसे भागने से होगा, हमने सवाल पूछा, भागना शुरू कर दी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे देश के जो झंडा है उस पर कितने रंग है? चार। चार, कौन कौन सा? केसरी, हरा, सफ़ेद और ब्लू। केसरी, हरा, सफ़ेद और नीला। अंदर एक चक्र है, उसे क्या कहते हैं? नहीं पता। तो उसके अंदर वो लाइनिंग कितने हैं वो भी नहीं पता होगा जी? नहीं। अच्छा, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? मुझे तो भूल गई। भूल गई जी। हमारे देश का झंडा पहली बार किसने फहराया था? नहीं पता जी। नहीं। तो ये है जागरूकता हमारे युवाओं में, और आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों में जानकारी की कमी है। ये एक बुक्स है, मैम क्या बोलना चाहेंगे? ये बुक है, इसमें हम लोग पूरा झंडे के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, आप भी पढ़िए, अपने आसपास जितने जने उनको भी बताइए ये बुक में क्या लिखा है, और प्लस आप झंडे की रेस्पेक्ट कितना कर सकते हैं। ये 16-15 तारीख के बाद हम लोगों के लिए इम्तिहान की घड़ी है, कहीं भी पड़ा हुआ झंडा हम लोग ऐसे देख करके निकल जाए वो हम लोगों के लिए बहुत ख़राब है, और हम लोग उठा करके झंडे का रेस्पेक्ट करें, अच्छी जगह में रखें या थाना में दे दें, वो चीज़ आप लोग करना है ना, करेंगे ना ऐसा? कहीं पे झंडा गिरा हुआ मिला तो उठा कर रखेंगे ना ठीक से उसको? जी हाँ, जरूर रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? नहीं, कहना चाहेंगे कि झंडे का रेस्पेक्ट करें, और यानी कि ना भूले इस चीज़ को कि ऐसा ना करें, कहीं भी लोग फेंक देते हैं तो ऐसा ना करें, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, हम आगे और भी लोगों से यहाँ पर जुड़ेंगे, और हम यहाँ पर लगातार लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर, खासकर यहाँ पर अभी दो लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। मैम क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? पल्लवी बड़ा। सर आपका नाम? उत्पल बड़ा। कहाँ से हैं आप? असम। असम से हैं। सर, झंडे को लेकर एक अवेयरनेस चल रहा है, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? वो तो मतलब नहीं दे, मैं तो नया अभी आ रहा है। कोई इंडिया में तो बहुत पहले से है ना, अभी नया। देश के बारे में पूछे, देश के झंडे के बारे में। अच्छा है, क्या कितने रंग है हमारे देश के झंडे पर? क्या बोला? अच्छा, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था वो भी नहीं पता। हमारा देश का झंडा सबसे पहले किसने फहराया था? सर देखिए, देश के बारे में बात है, इतनी जानकारी, छोटी सी जानकारी का आपको नहीं पता है, तो आप देख सक रहे हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पे दादा से पूछ रहे, दादा हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं? तीन। कौन कौन? तीन। कौन कौन सा? ऑरेंज जी, वाइट और ग्रीन जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसके बीच में एक चक्र, उसे क्या कहते हैं? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, अशोक चक्र। अशोक चक्र। उसमें कितनी तिल्लियाँ होती है कोई जानकारी? 24। वेरी गुड। और मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 जी। कौन सी डेट को? जी कौन से डेट को? डेट पता नहीं। डेट आपको? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मुझे बताइए, ये जो जी बिल्कुल 15 अगस्त को जी जी जी। अच्छा और एक चीज़ बताइए कि देश आज़ाद जब हुआ पहली बार झंडा किसने फहराया? नेताजी। नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम चाहेंगे कुछ जानकारी आपने अच्छी दी, उसके लिए हम आपको चाहेंगे कि आपको खाता पहनाकर सम्मानित किया जाए, और देश हमारा जो है स्वच्छता अभियान चलाता है, और ये दादा जो हैं स्वच्छता अभियान से जुड़े सारी सामग्री जो है यहाँ पर बेच रहे हैं। हमने यहाँ पर एक दादा से सवाल पूछा, दादा ने को इंडिया में रहने के बावजूद भी उन्हें नहीं पता कि देश के झंडे में कितने रंग हैं, क्या है, नहीं सारी कुछ नहीं पता। तो हम चाहेंगे दादा को थोड़ा खाता पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जाए, और हंसा मैम आगे गई हैं, बबीता मैम आगे बिल्कुल जाइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। तो उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि उन्हें जानकारी
जब एक तरफ उनके कस्टमर ने जानकारी नहीं दी और उन्होंने जानकारी दी, इसके लिए उन्हें सम्मानित हम कर रहे हैं जी। और यहाँ पर हम एक स्कूल की बच्ची हैं, उनसे जानकारी लेंगे, थोड़े से जानकारी स्कूल की बच्ची से लेना चाहिए। इधर, अरे मेरा एक दोस्त मेरे को मिल गया। अरे क्या नाम है आपका? श्याम। श्याम जी, कहाँ से हैं सर आप? हम चर्च मोड़ साइड से हैं आप। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइए, स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं, छोड़ दिए? ख़त्म। कहाँ तक पढ़े? स्कूल ख़त्म की पढ़ाई ख़त्म? पढ़ाई ख़त्म। मुझे लगा स्कूल ख़त्म कर दिया आप। नहीं नहीं। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई ठीक से चल रहा था तो? ठीक। कुछ तो जानकारी हासिल किया होगा आपने जी। अच्छा, मुझे बताइए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। और हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं? 3। कौन कौन सा? केसरिया, हरा, सफ़ेद। वेरी गुड। और हमारे देश के झंडे में जो चक्र है उसे क्या कहते हैं? उसको झंडे पे जो चक्र है, चक्र याद नहीं आ रहा है। अच्छा, हमारा देश जब आज़ाद हो गया था तो सबसे पहले झंडा किसने फहराया था? उतना का नॉलेज नहीं है, याद नहीं करें आप। चलिए कोई बात नहीं, क्या नाम बताया आपने? श्याम। श्याम, पूरा नाम क्या है? श्याम तामंग। श्याम तामंग, तो हमारे श्याम तामंग जो भैया हैं उनको पता नहीं हमारे झंडा के बीच में जो चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है। अभी याद आया। सॉरी, सच में? जी जी, याद आया। हाँ, आज़ादी के बाद झंडा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। जी जी, ये भी याद आया। चलिए, हम चाहेंगे ये बुक रखिए, जानकारी हासिल करिए, बाकी लोगों को भी ये जानकारी दी। मैम, झंडा श्याम जी को दिया जाए, है ना? ओके, थैंक यू जी। अब हम यहाँ पर एक स्टूडेंट से मिलेंगे। एक मिनट, रुको, क्या नाम है आपका? अनिला। क्या नाम, अच्छे से बताइए। अनिला नगसिया। अलीना, क्या? अलीना नगसिया। अनिला नगसिया। मुझे जी बताइए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त। कब? कौन से ईयर में? 1947। अच्छा, हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं? 4। कौन कौन सा? ब्लू है, नारंगी है और वाइट है। ब्लू है, नारंगी है और वाइट है और ग्रीन। अच्छा, बिल्कुल सही है। उसके अंदर एक चिन्ह है, उसे क्या कहते हैं? चक्र। क्या चक्र? याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, आपको ये जानकारी आगे भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 8। क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, आपको ये पूरी जानकारी रखनी चाहिए, है ना? बाकी जानकारी के लिए अभी ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक आप भी पढ़िएगा अपने क्लास में, सबको पढ़ने दी। तो इससे देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जानकारी हो, कि अभी भी कमी। हम चाहेंगे कि जो भी स्कूल में जो शिक्षकगण हैं वो बिल्कुल अपने बच्चों को झंडे के बारे में थोड़ा सा जानकारी विशेष तौर पर दें, क्योंकि कहीं कहीं पर जब भी अगर हमारे झंडे के बारे में अगर कहीं पर हमारे कोई भी लोग अगर बाहर जाकर, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, कहीं पर अगर कभी जाते हैं और झंडे के बारे में अगर वो ठीक से नहीं बोल पाएंगे तो एक बहुत बड़ा अपमान जो है वो हमें सहना पड़ेगा। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? धन्यल सोरेन। एक मिनट चाहिए, थोड़ा साइड आ जाइए, बाकी लोग इतना बिजी नहीं है। एक मिनट, बिजी नहीं है आप, खुद ही बोल रहे हैं बिजी नहीं है। आइए आइए, आगे 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 बढ़ते हैं हम, आगे तैयार होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ले रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रेणुका राव। कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा साइड हो गया, पत्थरघाटा से हैं आप जी। जी, अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो हमारा देश जो है वो कब आज़ाद हुआ था? 1976। कब? 1975। मतलब 1975 में हमारे देश आज़ाद हुआ। कब? तो हमारे साथ यहाँ पर अभी एक छोटा बच्चा है, हम अभी नींबू दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक छोटा बच्चा है। क्या नाम है वो आपका? आदित्य। कहाँ रहते हैं? सन्यासी। सन्यासी में रहते हैं आदित्य। पूरा नाम क्या है? आदित्य सिंह कवार। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त। कब? उसके बाद कौन सा ईयर था? ईयर कौन सा था? कौन सा साल था वो? अगस्त। 15 अगस्त कौन सा? नहीं पता। अच्छा, हमारे देश का जो झंडा है उसमें कितने रंग है? 4। कौन कौन सा? सफेद, हरा, ना ऑरेंज। अच्छा, और चार बोले ना आप? तीन बोले, चार बोले।
चार बोले थे एक कलर और एक कौन सा नहीं पता हल्का नीला चलिए बहुत अच्छा बोले झंडा कौन सा हाथ में लेता है झंडा कौन सा हाथ में थैंक यू कौन से हाथ में लेना चाहिए झंडा लेफ्ट में लेना चाहिए ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पर ऑलरेडी गाना बजा है मेरी जान तिरंगा है मेरी शान तिरंगा है जो आप बिल्कुल सुन सक रहे हैं मैडम यूट्यूब पर लगा कर सुन रही है ना की नाम अपना मैडम राजकुमारी विश्वास अरे वाह नाम भी बहुत अच्छा है राजकुमारी भी है और उन पर विश्वास भी है ना जरूर अच्छा अरे मैडम आपने एखने गान सुन खूब भारत लगे देखे हमारे के की बोलें ये गान सुन मने अनेक शांति लागे अच्छा और की बोलब बचरे 15 अगस्त सबाई माना अच्छा स्वाधीनता सबाई पालन करे हमराव पालन करते अच्छा मैडम हमें जानते चाहब जो हमारे जो देश तिरंगा आ झंडा आर मध्य कत रंग तीन कौन-कौनटा ऑरेंज व्हाइट और सबुज अच्छा खूब भालो तार मध्य एक चक्र थाके ताके की बोले अशोक चक्र तार मध्य कत तिल्ली थाके हॉस्पिटल 24 तो खूब भालो आंसर दिए छेन आमी चाहबो मैम खूब आप थोड़ा सा बाहर एक बाहर आसले खूब भालो होतो और उन्होंने हमने उनसे आपको सबसे पहले हमको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहेंगे ये देखिए मैडम तो बाहर आ रही है लेकिन जब हम उनके दुकान पर पहुँचे देखिए वो यहाँ पर ऑलरेडी यूट्यूब पर वो यहाँ पर गाना सुन रही हैं तिरंगा लगाकर और बहुत अच्छा लगा जब ऐसे सीन जब ऐसे चीज़ें हमें जब देखने को मिलती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा हम यहाँ पे मैडम को हम झंडा दे रहे हैं उन्हें हम खादा पहनाकर सम्मानित करेंगे क्योंकि अच्छा लगा दुकान में बैठ के देशभक्ति सच में ऐसे लोगों के अंदर बसती है और ये खादा दिया हमारा उन्हें सम्मानित कर छी मैडम देशवासी देर के की बोलते चाहिए की वार्ता दीते चाहबेन बोलबो हमारा भारतवर्षे थाकी सब समय जन एक हो चलि सबाई मिले मिसे थाकी और भारतवर्षेर एटा तिरंगा फलानो माने ओटा सब समय पालन करी हमरा सबाई मिले मिसे थाकी बस एटु बहुत अच्छा खूब भालो की नाम आपनार राजकुमारी विश्वास राजकुमारी विश्वास आगे बोलेछिलाम तो एक मैडम सर इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने जैसे अपने देशभक्ति को हम दिखाने का उनको मौका मिला हम यहाँ पर एक युवा है क्या नाम है आप दीपांजन मल्लिक कहाँ के रहने वाले हैं आप भुजियापानी का रहने वाला हूँ और कुछ सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे हमारा देश जो है वो कब आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद सबसे पहले झंडा किसने फहराया था सबसे पहले वो तो मालूम नहीं है वो आपको मालूम नहीं और देश कब आज़ाद हुआ था पता है हाँ 1947 15 अगस्त अच्छा वेरी गुड हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं तीन रंग है बीच में जो चक्र है वो नीला कलर का है कितने कलर है चार कलर है वो जो चक्र का बात करें वो चक्र को क्या कहते हैं अशोक चक्र जी उसमें कितने तिल्लियाँ होती हैं 24 जी बिल्कुल तो कुछ चीज़ें जो है उन्हें नहीं पता है और कुछ चीज़ें की जानकारी इनको है हम चाहेंगे कि जो मैडम है वो कुछ सही आंसर देने की वजह से उन्हें एक झंडा देकर सम्मानित करें पॉज करना पूरा देखना पड़ेगा ब्रीफ तो ये झंडा जो है हम देना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए ये जो झंडा 15 अगस्त को लोग खरीदते हैं लगा रहे हैं हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है 15 अगस्त को तो इसको इज्जत मिलता है लेकिन 16 अगस्त को अगर कहीं पे गिरा मिले तो क्या कहेंगे कुछ हो गया कि अभी एक दिन का देशभक्ति से अच्छा साल भर मनाओ दिल में देश को जगा के रखो वही ठीक रहेगा देश भी आगे बढ़ेगा हम लोग भी आगे बढ़ेंगे ठीक है कि नहीं एक दिन के लिए खरीदे बाइक में लगाए झंडा घर में लगाए एक दिन के बाद वो फेंक दिए किसी का पैर के नीचे गया किसी का फेंका हुआ भी दिखे तो उठाना पड़ेगा वो तो हम लोग का दायित्व है हम लोग तो उठा के रखते हैं गाड़ी रोक के उतारते मैंने उतर के उठाते हैं वो सब त्यौहार हो गया जैसे दिवाली हो गई वैसे त्यौहार सबके लिए ऐसा नहीं होना है देश तो सबके लिए है और हम लोग का जो अभी 75वां साल बना है तो किसी का खून का ऊपर से आया है हम लोग तो हम लोग को वो खून को बर्बाद होने नहीं देना जो सैक्रिफाइस किए उन लोग जो सैक्रिफाइस किया उसको हमको जगा के रखना है बिल्कुल ठीक है कि नहीं तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला उनका हमने तिरंगा दिया है हमने उनको और नो योर नेशनल फ्लैग उनको दे रहे हैं ताकि वो जाके बाकी और भी जानकारी जो है वो आप रखें हम आगे बढ़ते हैं अब हम कार्यक्रम के अंतिम छोर में हमारे साथ एक और बुनू मिली बुनू क्या नाम है आपका पायल पूरा नाम বর্মন পায়েল বর্মন কোথা থেকে আসছো তুমি রূপসিংহ জোত কি করতে আসলে এখানে কি করতে হ্যাঁ তুমি বাজার হাটে আছো না তো কি কিসের জন্য আসলে এখানে কিসের জন্য শপিং করতে জন্য আসলে না তাহলে মা বলেছে কিছু ভালো কিছু কিনে দিবে আজকে হ্যাঁ কি কিনে দিবে বলেছে
কি কিনে দিবে হেয়ারবেল হেয়ারবেল হ্যাঁ আর আচ্ছা ঠিক আছে ঝান্ডা কিনে দিবে বললো না কেন কালকে তো 15 আগস্ট মানে স্বাধীনতা দিবস না তো কালকে জন্য কোনো ঝান্ডা উন্ডা কিনে দিবে না দিবে এই যে ঝান্ডা আছে না ওই ঝান্ডার মধ্যে কত রং আছে বলেন তো তিন কোন কোনটা বাবু একটা হচ্ছে বেগুনি সাদা সবুজ বেগুনি না অরেঞ্জ অরেঞ্জ আর আর সাদা আর সবুজ সবুজ তার মধ্যে একটা চক্র আছে না ও কোন রঙের নীল আচ্ছা ওর মধ্যে কতটা স্ট্রোক আছে জানেন লাইন হ্যাঁ 42 কে বললো স্কুলে বলছে স্কুলে বলছে হ্যাঁ এটা রং মিথ্যা বলেছে রং রং বলেছে না আর আচ্ছা ওই চক্রকে কি বলে ওই চক্রটার নাম হচ্ছে অশোক চক্র আচ্ছা তুমি জনগণ মানা করতে পারো হ্যাঁ করো তো জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা রাবিন উজ্জ্বল বঙ্গ বিন্দ হিমাচল যমুনায় গঙ্গা উজ্জ্বল ছিল শীত রঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে ভারত মাতা কি जय ये एक बहुत सुंदर तस्वीर एक क्लिक कर लीजिएगा अब क्या नाम है आपका पायल सिकदर पायल सिकदर जी मैम अभी तो आपको सम्मानित करके आप आ रहे हो अभी कार्यक्रम से आ रहे हो आप मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा देश के बारे में हमारे जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा किसने फहराया था 15 अगस्त 1947 में जी और प्रधानमंत्री जी ने किसने नाम क्या तुमका राजेंद्र प्रसाद जी नहीं जवाहरलाल नेहरू सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे एक छोटे होने के नाते बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े बड़े लोग जो लोग देश को कहीं कहीं पे खोखला कर देते हैं वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मतलब हमें मतलब सिटीजन्स का पहले सोचना पड़ता है अपना नहीं बेटा ये बताओ पढ़ाई कर रहे हो आगे जाके क्या बनना चाहते हो डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हो इसका मतलब तुम्हारी रुचि मेडिकल लाइन में है और बायोलॉजी वगैरह में कैसे लाइक हाउ आर यू गुड डूइंग इन बायोलॉजी एंड ऑल या आई एम डूइंग ग्रेट यू डूइंग गुड या कौन सी क्लास में हो 11 में थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर तो यहाँ पर हमारे साथ चाचा जान हैं हमारे देश में चाचा जान का एक अलग ही महत्व है सर जानना चाहेंगे हमारा जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था ये 1947 क्या नाम है आपका एम डी अंसारी जी हैं और हम जानना चाहेंगे सर हमारे जो देश है उसके झंडे में कितने रंग हैं उसमें तीन रंग हैं कौन कौन सा ये लाल जी सफ़ेद जी और हरा लाल सफ़ेद और हरा जी वो लाल नहीं है वो ऑरेंज है केसरी ऑरेंज ऑरेंज कलर है ना जी अच्छा हम चाहेंगे कि हमारे जो देश है हमारे देश का भी बहुत जगहों पर बहुत तरह की स्थिति पैदा हो जाती है वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे देश का स्थिति और माहौल ख़राब कर देंगे मतलब देश में गंदे लोगों को एकदम हटा देना चाहिए जी अच्छे लोगों को परिवर्तन करना चाहिए जी यही आप सोचते हैं ये सोचता हूँ एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत जगह पर बहुत सारे संकल्प लिए जाते हैं आप क्या संकल्प लेने के लिए लोगों को एक सजेशंस देंगे सच बोलें जी और दंगा फसाद ना करें जी किसी से झूठ ना कहें किसी को नुकसान ना करें जी यही है तो ये एक हमारे चाचा जान जो है वो आप सभी के लिए एक संदेश दे रहे हैं हम चाहेंगे इन्हें एक झंडा देकर इन्हें सम्मानित किया जाए झंडा अपने आप में एक सम्मानीय चीज़ है जय हिंद जय हिंद
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते हम सबको कहना चाहेंगे कि काफ़ी लंबे समय से आप सभी के साथ जुड़े हैं, एक अच्छा कार्यक्रम इस बार हमने आज 14 अगस्त तक चलाने की पूरी कोशिश की और हमारा एक मुख्य उद्देश्य भी था कि लोगों को जागरूक करना। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। लगातार पाँचवें एपिसोड और पाँच बार हमने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को देश, झंडे और देश की महत्वपूर्णता के बारे में कई तरह के सवाल किए, लोगों से जानकारियाँ ली, लेकिन कई जगह पर कई बार लोगों ने गलत आंसर दिया, खासकर युवाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में भी कई तरह की जानकारी की कमी जो है वो देखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि हमारा देश अपने आसपास की पढ़ाई के बारे में तो जानता ही है, लेकिन देश के बारे में बिल्कुल जानकारी रखे, क्योंकि कहीं पर भी जब भी अगर आप देश के बारे में किए गए सवाल के बारे में जब सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये वाकई अपने आप में एक इंसल्ट है, एक बहुत ही बुरी बात है कि हम अपने देश को अभी तक नहीं पहचाने, जिस देश के लिए काफ़ी लोगों ने बलिदान जो है वो दिया है। सर, जाते जाते फाइनली भारत विकास परिषद की तरफ से बहुत सारी कार्यक्रम की गई, झंडा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम खबर आजकल के साथ मिलकर किया गया, ओवरऑल क्या कहेंगे आप? देखिए, खबर आजकल जो हमारा मीडिया पार्टनर के रूप में भारत विकास परिषद को सहयोग देता रहा है, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। कोई भी मुहिम मीडिया आप जैसे पत्रकार के बगैर लोग तक, जन जन तक पहुँचना असंभव होता है, तो आप लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। रही बात तीसरी, जब से हमने ये अभियान छेड़ा है नो आवर नेशनल फ्लैग, अपने तिरंगे को जाने, उसके तहत हम लोगों ने तकरीबन एक महीने से जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ सिलीगुड़ी में, उसके आसपास में ज़्यादातर स्कूलों में हम पहुँचे हैं, उनके स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को एक एक किताब हमने सबको दी है। लोगों के अंदर में जैसे अभी आपने कहा कि लोगों की जानकारियाँ स्पेशली यूथ के अंदर में अभाव है, इसी को ध्यान में रख के हमने किताब का जो है विमोचन किया, किताब का प्रिंट किया, कंपाइल किया और आज हम लोगों को तो पहुंचा रहे हैं। और मुझे ये एडिशन हमारा सेकंड एडिशन 26 जनवरी के बाद दूसरा निकलेगा, ये सिलसिला हम काफ़ी लंबा तक चलाएंगे। फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत भारत विकास परिषद इस पर काम करेगी और इसी के साथ कल 15 अगस्त है, हम अभी भी फिर जिन लोगों ने हर घर तिरंगा नहीं लगाया है सबसे निवेदन हो कि हर घर तिरंगा लगाएं और इस अमृत महोत्सव का पालन करें और एक जश्न के रूप में इसे मनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं खबर आज तक की टीम को, मैं खबर आजकल की टीम को धन्यवाद करती हूँ, और आज इतने दिनों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, खबर आजकल की टीम के बदौलत ही हो रहा है ये कार्यक्रम, और आप तक पहुँचे हैं, जन जन तक पहुँचे हैं सवालों की झड़ी लेकर के, तो ये सब हमारी टीम के साथ मीडिया पार्टनर खबर आजकल है। और सबसे बड़ी बात है कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष पर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और घर घर तिरंगा लेकर के हम लोग पहुँच रहे हैं, और आप सभी का सहयोग मिल रहा है, खासकर थोड़ी सी निराशा हम लोगों को मिल रही है, सवाल के जवाब बहुत कम जन सही दे पा रहे हैं, तो उम्मीद रहेगी ये बुकलेट जो हम लोग बांट रहे हैं उस बुकलेट के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलेगी और आगे फिर हम लोग जब ये दोबारा एपिसोड लेकर के आएंगे तो शायद हम लोगों को ज़्यादातर जवाब सही मिले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बोलेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में, हमारे सिलीगुड़ी के वासियों में हमारे झंडे के बारे में, हमारे तिरंगे के बारे में नॉलेज बहुत कम है। कृपया, जब मोदी जी ने कहा है, श्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सबको ये नॉलेज रखनी चाहिए थी और ये बुक से लोगों को और जानकारी मिलेगी, मुझे उम्मीद है, भारत विकास परिषद की तरफ से जो ये बुक बांटी गई है। और खबर आजकल को तो मैं धन्यवाद देने की ये नहीं हूँ क्योंकि भैया लोगों ने बहुत साथ दिया है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो बस चले तो यही कहेंगे कि अपने देश के मान सम्मान को बचा कर रहेंगे, देश के प्रति ईमानदार रहें, वफादार रहें और इसी तरह बने रहें। खबर आजकल पर देखते रहें, खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का कैमरामैन राजा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू।